आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी आंसरिंग अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट व्हाई अल्लाह क्रिएट अस, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। और देखे अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिशरहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. First of all, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। और आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी आंसरिंग अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट व्हाई अल्लाह क्रिएट अस, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग इन सवालों का जवाब देंगे। तो देखें ना, अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को पैदा नहीं किया इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने जिन को भी पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है, फिशेस को पैदा किया है, बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत से मखलूकात हैं अल्लाह ताला के जो आज तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से मखलूकात पैदा किया और मखलूकात के साथ साथ बहुत से अशिया भी पैदा किए हैं। आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, दरख्त, पत्थर, मिट्टी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तख्लीक हैं। और ये सारी चीज़ें किस लिए पैदा किया, ताकि इंसान की खिदमत कर सके, इंसान के लिए खादिम बनाए ये सारी चीज़ें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसान की जो तख्लीक है ना, ये अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन तख्लीक है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत नवाजा है। देखिए, फरिश्ते भी हैं और जिन भी हैं, लेकिन इंसान को क्यों इतना अल्लाह ताला ने वैल्यू दी है। तो कुछ ईसाई हजरत थे जो कहते थे कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फांसी हो गए और उन पर जो हम पे सख्तियाँ गुजरने वाली थी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे गुजर गई नऊज़ बिल्लाह, तो हमें अल्लाह ताला आखिरत में कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा भी तो कुछ दिनों के लिए जहन्नम देंगे। तो अल्लाह ताला ने उसे फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें अल्लाह ताला ने ऐसे ही पैदा किया है। तो इसका जवाब अल्लाह ताला फिर सूरह रहमान में देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और देखे अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के इतने फरिश्ते हैं ना कि फरमाते हैं कि जब बारिश होती है ना, तो हर एक कतरे के साथ एक एक फरिश्ता उतरता है, और जब वो उतर जाता है तो दोबारा उसकी नौबत नहीं आती कि वो उतर जाए। इतने ज़्यादा फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के। और एक फरिश्ता था जो 23 साल 23 ईयर्स वो अल्लाह ताला के लिए सजदे में गुजारे उन्होंने। तो जब सर उठाया तो अल्लाह ताला को कहने लगा कि या अल्लाह, तेरा कोई ऐसा मखलूक भी होगा जो इससे ज़्यादा सवाब हासिल करे। तो अल्लाह ताला ने कहा हाँ होगा। तो फरिश्ता बड़ा हैरान हो गया कि या अल्लाह वो कौन होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे आखिरी नबी की जो उम्मत का जो उम्मती होगा, वो अगर 3 मिनट अगर तवज्जो के साथ नमाज पढ़े तो उसका सवाब इससे ज़्यादा है। इमेजिन, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सवाब होगा हमारे लिए। और हम हैं कि इस सवाब से गफलत में फिर रहे हैं। हमने इस सवाब को अवॉइड किया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो अल्लाह ताला से फिर अर्ज़ करने लगा कि या अल्लाह, इस शख्स का इतना बड़ा अजर होगा, तो ज़रा मुझे तो दिखा देना या अल्लाह कि इसका कितना सवाब होगा आखिरत में। तो अल्लाह ताला अर्ज़ करने अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि जाओ इसके जन्नत में दाखिल हो जाओ और उड़ान भरो। फर्स्ट मैं बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतना बड़ा फरिश्ता है कि जब उसके नाखून, पाँव के नाखून सच वो ज़मीनों के नीचे लग जाए तो उसका सर अर्श पर लगता है, सुबहान अल्लाह। और जब वो अपने परों को खोल देता है तो मशरक़ से मगरब तक फैल जाती है, सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला उसको कहने लगता है कि जाओ और इस उम्मत मुहम्मदी के जन्नत में दाखिल हो जाओ और उड़ान भरो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उड़ान भरने लगता है और जाने लगता है। कई सालों बाद वो थक जाता है और अल्लाह फिर कहने लगता है बस इतना ही। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर उड़ान भरने लगता है, जाता है। फिर कई सालों बाद वो फिर थक जाता है, अल्लाह ताला फिर कहता है बस इतना ही। फिर वो उड़ान भरने लगता है, जाता है। कई सालों बाद वो फिर थक जाता है, अल्लाह ताला अर्ज़ करने लगता है कि जो जितना उड़ान आपने भरा है ना, इससे 3 गुना ज़्यादा में उसका सवाब है,
سبحان الله. اور ہمیں کہ اس غفلت میں کہ ہم 3 منٹ اللہ تعالیٰ کو یاد صحیح طریقے سے نہیں کرتے. ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی شیطان آ جاتا ہے, کبھی نفس کے خیالات ہوتے ہیں, اور کبھی دنیا بسی ہوتی ہے. امیجن ہم 3 منٹ اللہ تعالیٰ کو صحیح توجہ کے ساتھ نہیں یاد کر سکتے, اور اتنے بڑے اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ موقع زندگی میں 1 مرتبہ نہیں, 5 مرتبہ نہیں, دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. ہم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد نہیں کیا. ہمارے دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع رکھا ہوتا ہے, اور ہم اس سے غافل ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کچھ ٹرکس ہیں جس کی وجہ سے ہم نماز میں دل سے طریقے سے لگائیں گے. انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو بیک ٹو دا مین ٹاپک, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور عرض کیا کہ یا عمر, آپ تو کہتے ہو کہ ہم 24 گھنٹے 24/7 سارا دن رات ہم عبادت میں رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو آپ دوستوں کے ساتھ نہیں جاتے, آپ بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, آپ غسل خانے کے لیے نہیں جاتے, تو آپ کہنا نہیں کہتے, تو کیسے آپ 24/7 عبادت میں رہتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر یہ سارے کچھ کرتے ہیں. کھانا بھی اس کے طریقے پہ کرتے ہیں, سونا بھی اس کے طریقے سے کرتے ہیں, اور باتیں بھی اس کے طریقے سے کرتے ہیں. سو وی آر ان عبادہ, ہم ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں, سبحان اللہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اپنے نمازوں میں دل لگائیں, نمازوں کو توجہ کے ساتھ کیسے پڑھیں, دنیاوی خیالات سے کیسے بچیں گے نماز میں. تو انشاءاللہ اس میں پھر اس باتوں کو ڈسکس کریں گے, اور اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کو بھی اس کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. اور تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.